गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.2। ओके, क्वेश्चन वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो 100 एंड इंटीरियर एंगल नहीं है यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल है तीनों। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर क्या है, एक्स है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 105 है। ठीक है, नेक्स्ट इज सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन तीनों एंगल्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। x प्लस 100 प्लस 105 इक्वल टू 360। तो x प्लस 205 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हुआ, 360 माइनस 205, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 155। सेम क्वेश्चन से, ठीक है, सेम है इसमें भी प्रोसेस। ठीक है, इसको करिएगा। क्वेश्चन टू, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन विद 12 साइड्स। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन की 12 साइड्स हैं, ठीक है, तो उसका आपको एक्सटीरियर एंगल बताना है। ठीक है, तो सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360। टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारी, 12। मेजर ऑफ ईच एंगल कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 12। तो 12 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 12 थ्री 36 एंड 0, तो कितना होगा, एक एंगल 30 डिग्री का। ठीक है, इसी तरह से 18 है, तो 360 डिवाइड बाई 18 टू द 36 20 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैज़ इफ़ द मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 45। अगर किसी की एक्सटीरियर एंगल 45 का है, ठीक है, तो उसकी साइड्स बतानी है आपको। ठीक है, टोटल सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री, और मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितनी दी हुई है, 45 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है आपको, तो क्या करेंगे आप, 360 को 45 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आता है, 45 8 से होता है हमारा 360। तो आंसर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारी, 8। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर 20 गन, यानी कि 20 साइड्स हैं। ठीक है, तो 20 साइड्स के लिए आपको क्या बताना है, मेजर बतानी है ईच एंगल। ठीक है, तो रेगुलर 20 गन हैज़ कितनी साइड्स हैं, 20 साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा, एन इक्वल टू 20। तो ईच एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास, एन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, 180 डिग्री अपॉन एन। तो एन कितना है आपका, 20। तो 20 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री अपॉन 20। ठीक है, तो 18 माइनस मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री अपॉन 20। 0 से 0 कट गया, 2 9 जो 18, और 18 9 जो कितना होता है, 162 डिग्री। तो हर एंगल कितना होगा, 162 डिग्री का। नेक्स्ट है, ड्रॉ अ पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन और ऑक्टागन। व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स इन ईच। मतलब एक पेंटागन ड्रॉ करना है, एक हेक्सागन ड्रॉ करना है, एक हेप्टागन ड्रॉ करना है और एक ऑक्टागन। ठीक है, उनकी नंबर ऑफ साइड्स बतानी, नंबर ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बताने और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स बनाने। ठीक है, तो पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं आपकी, 5। ठीक है, 5 साइड्स के लिए क्या करेंगे आप, एन माइनस 2 अपॉन मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री अपॉन एन। तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री अपॉन 5, 3। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया और कैंसिल किया, हमारा आंसर कितना रहा, 108 डिग्री। ये तो हमारे इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या करना है आपको, सम ऑफ जो एंगल्स हैं हमारे टोटल, उनको क्या करना है, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देना है। तो 5 7 जो 35 और 5 टू जो 10, तो आंसर कितना रहा, 72 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से हेक्सागन करना है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 6। ठीक है, एन मालूम है आपको, और आपको क्या करना है, अब इंटीरियर एंगल्स बताने हैं। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स के लिए क्या करेंगे, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री अपॉन n। तो 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री अपॉन 6। 6 माइनस 2 कितना हुआ, 4। ठीक है, 6 से इसको कैंसिल किया, 6 3 जो 18 और 0, तो 4 3 जो 12। तो ईच एंगल कितना हुआ, इंटीरियर 120 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ, 6 6 जो 36। ठीक है, 360 अपॉन 6 नंबर ऑफ साइड्स, तो 6 6 जो 36, तो कितना हुआ, 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से आपको हेप्टागन में करना है, इसी तरह से आपको ऑक्टागन के लिए करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 5, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 140 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन की
क्या है? इंटीरियर एंगल 140 डिग्री है, तो नंबर ऑफ साइड्स बताना है कितने होंगे। तो इंटीरियर एंगल के कितने हैं? 140। तो 2n माइनस 4 अपॉन n मल्टीप्लाई बाई 90 इक्वल टू 140। तो 90 का मल्टीप्लाई कीजिए, 90 टू 180 एंड माइनस 94 जो 360, और n का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 140 n। तो 180 n माइनस ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 140 n इक्वल टू 360। तो 180 में से 140 माइनस करेंगे तो 40 n इक्वल टू 360। तो n इक्वल टू 360 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 9 36। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना हुआ आपका? 9। ठीक है, क्वेश्चन 6 भी आपका सेम है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है? इसमें एंगल दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है एक। तो आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ साइड्स बतानी है, बहुत इजी है। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ ईच एंगल कितना है? 10 डिग्री। नंबर ऑफ साइड कितने होंगे? 360 अपॉन 10। तो 10 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा आंसर आपका? 36 साइड्स होंगे। ठीक है, और 36 साइड एंगल डिग्री का 36 डिग्री का एंगल है तो 360 अपॉन 60 36, तो 36 10 था 360 10 साइड्स हो गए। 40 डिग्री का एंगल है तो इसको क्या होंगे? नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे? 9। नेक्स्ट है आपका प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज 720 डिग्री। एक रेगुलर हेक्सागन है आपके पास, आपको बताना है कि इसके सभी एंगल्स का सम कितना होगा? 720 होगा। तो देखिए एंगल्स के हेक्सागन की साइड्स कितनी है? 6 हैं, तो n इक्वल टू कितना हो गया आपका? 6 हो गया। ठीक है, तो सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विद n साइड इज, क्या होता है फॉर्मूला? n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180। तो n माइनस 2 यानी कि 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180। तो 6 माइनस 2 इज 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 180। अब तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 720 डिग्री। ओके, होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक यू।